हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। छंगुआ कहिए भैया धर्मो। जैसा कि बड़े ठाकुर ने हमारे कहा है कि जाओ इस समय श्यामू किसान की बीवी को लेकर हमारे पास आओ। क्यों नहीं? तू तो जानता है कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो बड़े ठाकुर के लिए करता हूं। हाँ हाँ, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आती। हाँ शंगवा। कहा भाई धर्मू? मैं इतना नेक काम करता हूं। हाँ, लोगों का मान सम्मान भली भात करता हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भली भात करा था भाई। और आज ये गांव के लोग भैया गाली क्यों देते हैं यार? और ये गांव के लोग, जिस वक्त मैं इस गलियों से निकलता हूँ, हाँ, तो ये गांव के लोग मुझे देखकर गाली क्यों देते हैं? काहे ना तुहका गाड़ी दिए भाई, तुहार वही तरह चली है जैसे लखनऊ का छक्का चलत रहा। अब का भाव? आराम खोर है। मैं साले लखनऊ का छक्का दिख रहा हो? और यही बड़े तो रामनगर वाले गरियावा थी। मेरी चाल में क्या है? अरे देख, हमारी चाल में क्या गड़बड़ी है? भैया धर्मू, छंगुआ चलिए तो ठीक है, लेकिन हमका एक ठोर है गौना के रामनगर का। ये काकी हमारे बतावत रहे। क्या? इतना धर्मू हरामी है कि अगर उनका हम पाए जाए धर्मू का, तो उतार के चप्पल ही मुहर। हम नहीं कहा था ही। ओए काकी हमारे कहा रहे भाई। छंगुआ, शायद ये गांव के लोग नहीं जानते। हाँ, मैं उठता हूं तो बड़े ठाकुर के लिए, और बैठता हूं तो बड़े ठाकुर के लिए। क्या नहीं? हमें इस गांव और समाज से क्या लेना देना? कुछ नहीं लेना देना है हमका, तो कोई है गांव वाले से कौन मतलब। लेकिन आज मैं बहुत बड़ा भोले शंकर का पुजारी हो। आप शंकर जी के पुजारी हैं? क्यों नहीं छंगो? हाँ, मैं शंकर भगवान का पुजारी हूँ। बिना पूजा पाठ किए हुए मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूँ। अरे अन्न जल तो छोड़ो। हाँ, यहाँ तक है कि मैं एक सिगरेट भी नहीं पी सकता हूं। भैया धर्मू बोल, ये बतावा शंकर जी के पुजारी आप अपने परिवार में अकेले नहा किया? सब पूरा परिवार वही है आपका? छंगो, मैं अपने परिवार का केवल अकेला सदस्य हूं। यही तरह के निशंतिया सारे पूजा करो। अरे धर्मू भाई, धर्मू भाई, जय राम जी की भाई। जय राम बे जय राम। भैया देख लिया भाई, इसे कहते धर्मू भाई जय राम जी की, तो कहता है जय राम बे जय राम। भैया ये रानी छुई के राजा भाई। भैया इन्हें ठाकुर साहब खिया नौकरी करें और इधर के चुंगली उधर करें, इनके काम ही है आए भाई। छंगुआ, खुशल नाथ पर के जितना घंटा चौराहे सभी खोल लाए। आराम जादे, अगर बकवास करोगे तो गोली कहीं और मारूंगा और खून कहीं और से फेंकोगे। हमें बकवास और ऊंची आवाज से सख्त नफरत है। हे भैया धर्मू भाई बोल, तेरी कान खोल के सुन लिया भाई। क्या कहना चाहता है? सिमुआ बेचारा आपन दुल्हन लिया के आवत है और तू जाता
ठाकुर साहब खिया चुंगली करे कि अपन दुल्हे लिया आवत बा। तो ये बतावा शादी कर ब्या तो तू अपन दुल्हन ठाकुर साहब किया भेज ब्या। चलो नाराज जिन हुआ, नाराज जिन हुआ भाई। अबे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सोनी? हमार कहे का मतलब यह है हाँ। कि ये सूद ही, ये सुदवे अबे सोवत है। अगर भाई सबे जागरित हो गए हाँ। तो तुहार दिनों जने के बार पनही से बनी है भाई। तेरी ये औकात क्या? ओह नो, तूने हमें शूतों से मारने के लिए कहा। भैया हम नहीं ने कहा, यह तोहार चाल कहती है। आराम ज्यादा हमारी। हम जाग तो है लेकिन इतना याद रहे भाई, हम जाग तो है भाई लेकिन इतना याद रहे भाई कि जौने दिन सूद जागरित हो जाई है वही दिन तोहार मुड़े के बाद। बता दे रामनगर के सूद्र जितने हैं उनकी आंखें अगर बंद है तो आंखें बंद ही रहेगी। अगर खबरदार किसी ने सारे रामनगर वालों ने अगर नजर उठा कर देखा तो कसम भगवान साले के मुंह में बम फिट करवा के आग लगवा कर साले चिथरा चिथरा करा दूंगा। किसी की मांस झाड़ू से बटोरने लायक की नहीं रह जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो छंगो। अरे गांव के लोग हमें नहीं जानते क्या? हम लोग कितने शरीफ इंसान हैं। अरे सराफत का चोला हमारे रग रग और हमारे बदन पर हरदम लिवाज करता है। आप इतना शरीफ है, इतना शरीफ है कि जैसे हमारे रामपुर का शरीफ चिकवा दिखा साले, हम शरीफ चिकवा नजर आ रहा है। आराम कर। अरे हमने हमारे अंदर इतनी बड़ी इंसानियत, मैं इंसानियत का चोला पहने हुए और सराफत का टोकरा हाँ अपने सर पे रखे हुए 2 किलोमीटर इधर हाँ और 2 किलोमीटर इधर क्यों नहीं, चारों तरफ लेकर के घूमता रहता हो हाँ। लेकिन फिर भी ये गांव के लोग हाँ हमें देखकर मुझे लोग गाली क्यों देते हैं? गाली काहे ना दिए? आज हम रामनगर में पहुंचे हैं तो तोहका इतना मेहरा रुए गरियावत रही है, इतना मेहरा रुए गरियावत रही हमसे कहा जाने छंगू। अगर धर्म मिल जाए तो इनका हम उतार के चप्पल इनके ही मोहने मोहना मारी। छंगुआ इन गांव के लोगों से कह दो है क्या धर्मो वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है? क्यों नहीं? पत्थर से शीशे को नहीं है बल्कि शीशे से पत्थर को तोड़ता है। वो जहरीला नाग हो हाँ। डसता नहीं बल्कि निगल जाता हो। गांव के लोगों हाँ। 3 चीजों से मत खेलना, एक आग और एक पानी है और तीसरा खुद धर्मों से। क्यों नहीं? क्योंकि आग है चला कर राख कर देती है और पानी डुबा देती है। क्यों नहीं? और ये धर्मों है खड़े करके चौराहे पे बीच गोली मार देता है। हाँ हाँ हमें
बड़े ठाकुर का आदेश के मुताबिक इस समय श्याम को घर चलना है। क्यों नहीं आओ चलिए किसी वक्त चलिए रामनगर चलते हैं। क्यों नहीं आओ मेरे साथ। क्या कर बे भाई, अबे ठाकुर को हुकुम करें और हम इनके हुकुम करी, अगर करी तो मारा जाई ना करी तो मारा जाई, ऐसे चाह की भाव है यहाँ की जो ने कहा है मुहद करी। भैया अब तो हमका जाइन का परी, आइए हम चलते हैं। लेकिन चलते चलते भैया जैसे कि हमारे फिल्मी दुनिया वाले ने कहा है, गोरी है कलाइया चाहे काली है कलाइया, गोरी है कलाइया चाहे काली है कलाइया, अपना बना ले। भैया ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है, लेकिन इस तर्ज का मर्ज क्या है जो हमारा कहना है। ए मर गए बोकरिया निकिया ले चिकाऊना, ये मर गए बोकरिया निकिया ले चिकाऊना, पचावन मंगा दे मुझे बालमा। हाँ भैया। भैया बंसी का कहा भाई। जय राम भैया। जय राम भैया जय राम। और भाई ठीक है कि नहीं? हाँ बंसी भैया और सब तो ठीक है भाई। और मंगरू भैया खेती किसानी के का हाल है, कुछ धान वान लगवाया? हाँ बंसी भाई धान वान लगवाए। बहुत बढ़िया किया भाई। लेकिन भाई बंसी बोला मंगरू धान लगवाए रहे भैया। हाँ वही धाने में पानी लगाए रहे भाई। बहुत बढ़िया किया भाई। पानी लगाए रहे। हाँ और पानी लगा के हम कहे भाई तनी यही मेड़िया पे आराम कर ली। तो भैया अब अपन फरुआ भैया वही मेड़िया पे धाई के आराम करे लगे भाई। तो का भा भाई अब कौनो वाइन भाई हमार फरुआ उठा ले गेन। तो भाई बहुत बेजा काम कहें, का हो अब तुहार काम कैसे चली? अब भाई हमका अबे फरुआ की जरूरत नहीं ना भाई। अहला मंगरो भाई ले जाए अपन मेर डाल बांध लिया। ठीक है भैया बंसी। हाँ भैया अब का हो भैया हाल चाल सब ठीक बा? हाँ भैया काल जवन रात में पानी बरसा रहन भाई। अच्छा अच्छा वही में गए रहे भाग खेत तो बनवाए ले। बहुत बढ़िया किया भाई। लेकिन भैया बेड़ौरिया गिने गए लेकिन एको पाए नहीं भाई। तो भैया खाली हुआ सब जने भाई चल के बेड़िया उचरवा देते भाई। हाँ भाई जरूर चलबे चलब। हाँ भैया चलो चला। ठीक है अपने गौना के रामनगर के मेहर आज कार नहीं देखा सब लौगे होगे में लगी यहाँ। हाँ भाई सोचत यहाँ चार पैसा यही लोगे में कमा ली भाई। हाँ न हो सिंदूरे टुकली कहा है। हाँ बंसी भाई पाइन गई है और आखी बंधनों आवत है। हाँ हाँ कसो पुरखेन। अरे दईछार के नाती बता। अरे हिया तू सबने अब से महिया बाहित करा था। अरे खेते बारी गया कि अबे यही ठीन तू सबने बलला था। देखा पुरखेन। हाँ और मंगरू भैया खेतिन बारी के चर्चा करते रहे हैं। अरे का तू चर्चा करा था? हाँ भाऊजी समझा दिया भाई करा था। मंगरू समझा दिया इनका। अरे अबे हम खेतिन से चली आवत यह है। तो का भवा? अरे खेते से हम चली आवत यह है कम से कम 20-25 गोरू वही लौगेम परा रहे हैं। आ सारा लाव गाछ चाहे डारे यहाँ तोहरे चलता सत्यानाश हो गया हुआ तो। आओ का तू घरे से बहाना बताए कि निखरत्या कि देखू अब हम जाती है जाता है फरुआ लेके खेते। हाँ आ तू जाते रास्ता में तू का तो तीन चार जने
मिल जाती और नहीं साथे तू पीपी खो बललात बाटे देखा मुन्ना के अम्मा खेती बारी कौनो देखा मुन्ना के अम्मा हमें ये नहीं मंगरू भैया के साथे रही था और मई के साथे चैतू के साथे समझतिया कहाँ बारे तने गुस्से मिलावा शराबी कबाबी जी समझा करा हमसे उनसे मिलावा कहाँ बाटिन या सब के हुआ गौना के हैं अपने रामाय नगर के ही सब हाँ भौजी भैया से बात करा का कहा खेत बारी सब ठीक बा भौजी हमहू अब बंसी भाई अबे तक खेतन में रहे भौजी लेकिन अबे हमहू खेतन से चली आवत यही लेकिन हमका केहू जने खेते में नहीं दिखाया भौजी हम सब जने कहे आवा चली भैया कुछ खाए पी ली ओकरे बाद फिर आवा खेते चली जाई भैया हाँ हाँ खाए पी लिया आ खेती जहाँ हो जहाँ ना हो तो उसे सबसे ऐसे मतलब नहीं नहीं भौजी ऐसी बात नहीं है भौजी वही में तो हमका चार पैसा मिले कहा भौजी तो ठीक है देखा अबे हम खेते से चली आ बतिया है जाए कि देखा तीन चार घर कटा बाटा और खेते का सारा पानी उतर के वही बड़के नालम जात है और ओका थाम ले ब्या साइत या खाद वो दे दे ब्या तो ऐसे बरसात का फुहारा पावत रही तो कि साइत पनप बंसी भैया का कहा भाई आवा चली जाए भाई ठीक कहा कहा मगर वो आवा चली चला भैया नहीं खेती चौपट हो जाए हाँ भैया बंसी अरे सूखी गैली खेतिया हो सूखी गैली खेतिया जुराई गैली पिरई हो मरे लची रही कैसे होई अब गुजारा हो मरे लची रही कैसे होई अब कैसे होई अब गुजारा हो मरे लची रही कैसे कैसे होई अब गुजारा हो मरे लची रही कैसे होई अब गुजारा हो मरे लची रही ओरी बाढ़ी से दूसरी ओरी पाला खेती गड़बड़ाई दुख सही हो नजारा एक ओरी बाढ़ी से दूसरी ओरी पाला खेती गड़बड़ाई दुख सही हो नजारा कैसे होई अब गुजारा हो गला चिरई देखो बहनी हाँ दीदी हम तो उसे कह रहे ना कि होइन इकट्ठा होई है सब जने सही कहती है बात सही निखरा ना ए बहनिया आवा चली अबे खाना पीना बनावे किया है चला ठीक है दीदी आवा चली चली लेकिन बहनी का बताई का भवा अरे झालुआ
बंद करा बनवारी हमें घर मारी जा झूला वे